आज की वीडियो में आपके सामने है निसान की एक कार के दो वेरिएंट्स, जिसका कि हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। मतलब कि फेस टू फेस कंपैरिजन होगा, जो दिखेगा वो मैं कंपेयर कर दूंगा, जो नहीं दिखेगा वो मैं आपको यहाँ पे डाल दूंगा स्क्रीन पे। ये निसान मैग्नाइट का बेस वेरिएंट है एक्स ई, और ये एक्स एल है। दोनों में आप फ्रंट से डिफरेंस देख सकते हैं, क्या डिफरेंस है। फ्रंट से नॉमिनल सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि ना के बराबर देख सकते हैं। फ्रंट से ये भी सेम है और ये भी सेम है, बस इसमें डिफरेंस आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में आपको बम्पर देखने को मिलेगा नीचे की साइड में थोड़ा सा, जबकि उसमें आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट ब्लैक में, ये देख सकते हैं। बाकी डिफरेंस इसके हॉर्न में भी है, देख सकते हैं इसका ये हॉर्न, और उसका अगर मैं आपको हॉर्न दिखाऊं तो थोड़ा बड़ा टाइप का है, ये देख सकते हैं बड़ा टाइप वाला है। अंदर से दिखाऊं तो ये थोड़ा बड़ा है, ये अंदर की बात थी वैसे मैंने आपको बता दी। सामने से आपको यही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिलता है ORVM पे। ORVM देख सकते हैं इसमें थोड़ा पियानो ब्लैक टाइप का, मतलब कि थोड़ा अलग तरीके का मिलेगा, जबकि ये वाला जो ORVM है देख सकते हैं थोड़ी अलग अलग किस्म का है। आगे से भी देख सकते हैं, आगे से भी कुछ अलग है, और इसमें फेंडर भी आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा XE में, और इसमें आपको टर्न इंडिकेटर यहाँ पे ORVM पे देखने को मिल जाएगा। दोनों में मैग्नेट की बेजिंग, और इसमें आपको व्हील केप नहीं देखने को मिलेगा, इसमें व्हील केप आपको देखने को मिलेगा, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। टायर्स में, टायर्स में आपको MRF का देखने को मिलेगा XE वेरिएंट में, और XL वेरिएंट में आपको C8 सिक्योर ड्राइव के टायर देखने को मिलेंगे, जो कि 195/60R16 होंगे, और इसमें होंगे 195/60R16 सेम है। दोनों की बात करें तो यहाँ पे ये XE वेरिएंट की है, जो कि नॉर्मल की आती है, इसमें कुछ भी सेंटर लॉकिंग भी नहीं आती है, मतलब बटन से आप अनलॉक अनलॉक नहीं कर सकते। ये है XL वेरिएंट की जिसमें आपको लॉक अनलॉक के बटन देखने में मिलते हैं, इसमें भी आपको कीलेस एंट्री वगैरह नहीं मिलती है। डोर हैंडल दोनों में बॉडी कलर है, दोनों में रोप रेल्स है, 50 kg तक के वेट को कैरी कर सकती है। दोनों में ही आपको यहाँ पे रियर स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, दोनों में ही आपको ये डिफोगर वाइपर वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, मतलब बेस वेरिएंट में A to Z सारी चीज़ें है। रियर से डिफरेंस ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी सिल्वर की लाइनिंग, सिल्वर का बम्पर नहीं दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे जगह तो है लेकिन इसमें बम्पर नहीं है सिल्वर वाला, जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाता है, ये देख सकते हैं। टेललाइट सेम है इसकी और उसकी देख सकते हैं। अंदर से डिफरेंस बताऊँ आपको तो अंदर चलते हैं, सबसे पहले बेस वेरिएंट के, बेस वेरिएंट के अंदर आपको सबसे पहले तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं देखने को मिलता, बिल्कुल खाली है। अब उसमें आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाता है, साथ में ही आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाती है विद यहाँ पे जो ये कंट्रोल्स है, ये भी यहाँ पे थोड़ी डिजिटल टाइप के बटन्स है, देख सकते हैं इसमें ऑटो एसी आती है, जबकि इसमें आपको कुछ भी ऑटोमेटिक एसी टाइप की नहीं देखने को मिलती, और बटन्स भी इसमें कुछ भी डिस्प्ले टाइप भी नहीं आती है, इसमें एक ही बटन है ऑन ऑफ का, और ये नॉब्स है। यहाँ पे आपको बूट खोलने का बटन, क्रिएट टिपोगर का, और हजार लाइट्स का, और अब उसमें दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से बटन है। यहाँ पे देख सकते हैं लॉक के, क्रिएट टिपोगर का, और यहाँ पे हजार लाइट्स का। स्टेयरिंग व्हील के दिखाऊँ तो यहाँ पे स्टेयरिंग व्हील के मल्टीमीडिया कंट्रोल्स है, जो कि उसमें आएंगे नहीं क्योंकि उसमें मल्टीमीडिया है नहीं, यहाँ पे कॉल कट करने के वगैरह के, और यहाँ पे ये तो सेम ये दोनों में ये, लेकिन इसमें डिस्प्ले में एक मिरर वगैरह कुछ भी नहीं है, मतलब कि कांच आगे नहीं लगाया हुआ, ये देख सकते हैं कंप्लीट टच हो रहा है, ये कंप्लीट टच हो रहा है। उसमें चल के दिखाता हूँ आपको, इसमें तो स्टेयरिंग के ऊपर कुछ भी बटन्स वगैरह है ही नहीं, लाइट्स की कंट्रोल है, और ये यहाँ पे क्लस्टर मीटर है, यहाँ पे इसमें भी आपको ट्रैक्शन का बटन देखने को मिल जाता है,
और वो बटन आपको उसमें भी देखने मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे नॉब से ORVM एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं, जबकि उसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे बटन्स, दोनों ORVM आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। स्पीकर वगैरह सब चीज़ सेम है, देख सकते हैं इसमें भी, यहाँ पे सॉफ्ट टच वगैरह, यहाँ पे इसमें जो डोर हैंडल है वो यहाँ पे सिल्वर फिनिश में देखने में मिलते हैं और यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग देखने में मिलती है, लेकिन इसमें आपको बॉडी कलर यहाँ पे ब्लैक कलर के डोर हैंडल देखने में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग देखने में मिल जाएगी। बैग का कंपेरिजन भी करते हैं एक बार, बैग में देखते हैं क्या क्या। बैग में तो ना के बराबर ही आपको कुछ चेंजेस देखने में मिलेंगे, देख सकते हैं, और अभी इसमें भी दिखा देता हूँ, मतलब कि बैग में कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही डोर हैंडल वगैरह का है, 3-point सीट बेल्ट है, यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने में मिलेंगे और यहाँ पे आपको लाइटिंग के कंट्रोल देखने में मिलेंगे। दोनों वेरिएंट्स में आपको दो दो एयरबैग देखने को मिलेंगे। इंजन और स्पेसिफिकेशन सारी चीज़ें सेम है। ये था यहाँ पे XE और XL वेरिएंट का यहाँ पे डिटेल्ड कंपैरिजन। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। अगर आपको निशान की कोई भी कार चाहिए तो आप रोशन निशान यहाँ पे जयपुर 14 नंबर रोड के पास आ सकते हैं VKI में, और नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिले जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी निशान की कार हो तो, अगर आपको लेनी हो या बुक करानी हो तो, देखनी हो तो भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।